डायबिटीज में जो भी लोग डायबिटीज का उपचार लेते हैं, हमने कई वीडियो में बताया हुआ है कि इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो ही तरह के डायबिटीज से लोग सफर कर रहे हैं। अब आज हम आपको बताएंगे टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चे से शुरू हो जाता है, 10 साल से के आसपास से। टाइप 2 डायबिटीज जो है 40+ में होता है, किसी किसी में 25+ में भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर डायबिटीज 25 या 40+ में होता है। एक तो ये फर्क हुआ। दूसरा, टाइप 1 डायबिटीज का मरीज बहुत दुबला पतला होता है, उसको बार बार पेशाब लगता है, बहुत दुबला पतला होता है वो टाइप 1। टाइप 2 का डायबिटीज का मरीज मोटा होता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा कम रहती है, टाइप 2 में मरीज मोटा रहता है, टाइप 1 में मरीज पतला दुबला पतला रहता है। पहले ज़माने में, आज से 100 साल पहले जब डायबिटीज़ का आविष्कार हुआ था, उस समय इंसुलिन हार्मोन का भी आविष्कार हुआ था। इंसुलिन हार्मोन की कमी से टाइप 1 डायबिटीज हुआ करता था पहले। पहले टाइप 2 डायबिटीज़ का कहीं एग्जिस्टेंस नहीं था। जब सब शुरू में आविष्कार हुआ तो उस समय में ये मान्यता थी कि टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होता है। आज भी टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, ये बात सही है, इंसुलिन की कमी से टाइप 1 डायबिटीज होता है। लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज में देखा गया कि इंसुलिन की कमी नहीं है, इंसुलिन की अधिकता है, इंसुलिन जितना होना चाहिए ब्लड में उससे ज़्यादा है। इसके बाद भी वो मरीज को इंसुलिन डायबिटीज है, मतलब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा रहने पर भी शुगर बढ़ा हुआ है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि हम उसके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाते हैं अलग अलग दवाई देके, जैसे ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, सिटाग्लिप्टिन या इंसुलिन डायरेक्ट देके, उससे भी उसका शुगर कंट्रोल नहीं होता है, उस तरह के डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। आज 99% मरीज टाइप 2 डायबिटीज के हैं, और एलोपैथिक में जो भी आप उपचार ले रहे हैं वो सब टाइप 1 डायबिटीज के हिसाब से आज से 100 साल पहले पुराना उपचार है। हम यही बात लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये बात एलोपैथिक डॉक्टर को भी पढ़ाई जाती है, हर एक डॉक्टर को टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है और उसका डिटेल्स में हर एक डॉक्टर को जानकारी दी जाती है। लेकिन कोई भी आदमी ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि टाइप 1 और टाइप 2 का अलग अलग इलाज होना चाहिए। टाइप 1 का इलाज अलग है, टाइप 1 अलग डायबिटीज है, टाइप 2 अलग डायबिटीज है। टाइप 1 का मरीज बहुत ही दुबला पतला होता है, उसके बॉडी में चर्बी कम होता है और उसका बॉडी में शुगर की अधिकता रहती है, इंसुलिन उसके बॉडी में नहीं बनता है या कम होता है। इसके जस्ट उलट टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की मात्रा अधिक रहती है, उसमें और इंसुलिन देने पर भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है, उसमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने पर भी, जैसे ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन ये सब दवाई खा के यदि इंसुलिन बढ़ा भी देते हैं फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है। और प्लस वो मरीज जो है टाइप 2 डायबिटीज का कहा जाता है, इसका वजह इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस जब भी होता है उसका मतलब ही है कि इंसुलिन रहने पर भी इंसुलिन काम नहीं करना, इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा पर भी शुगर बढ़ा रहना। जैसे कि कोई भी चीज़ का हार्मोन जब बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप कर जाता है बॉडी में, शरीर अपने आप को उस इंसुलिन से बचाने लगता है, नहीं तो आदमी की मौत हो जाएगी। इतना जान लीजिए, यदि जितने लोगों का टाइप 2 डायबिटीज है, यदि इंसुलिन उसके बॉडी में काम करने लग पड़ा तो वो आदमी तुरंत ही डेथ हो जाएगा उसका, विद इन 1 डे, एक दिन में। लेकिन वो इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है उसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है एलोपैथ में, नेचुरोपैथ में। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है उसको किस तरह से अलग अलग पद्धति में डिफाइन किया गया है। लेकिन जो हमारे पास ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी में और मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में, वही ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और ये पुराना घिसा पिटा उपचार जो है आप लोग उसको छोड़िए और नए उपचार में आइए।